नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा हीट इंजन का सिलेबस चल रहा है, उसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट फोर्थ। ओके, तो दोस्तों पार्ट फोर्थ है हमारा प्रैक्टिस सेट का और पार्ट थ्री ऑलरेडी हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के। तो दोस्तों आज जो है हम इसका शीट मेटल का आगे का पूरा पार्ट जो है कम्प्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर्थ और शीट मेटल जो है आपका प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। पहला क्वेश्चन, दिस स्टेक हैज़ टू हॉर्न, वन स्टेपर्ड एंड द अदर इज रेक्टेंगुलर। तो आपको बताना है ये कौन सा स्टेक है, तो ये स्टेक आपको पहचानना है। तो देखिए जैसा आपको शेप दिख रहा है इसमें, और ये मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप इसको देख कर पहचान सकते हैं। इसमें एक जो है एज जो है उसका रेक्टेंगुलर है, और दूसरा एज जो है इसका टेपर्ड है, मतलब यूँ है, एक शार्प एज बनी हुई है, एक टेपर्ड बना हुआ है। तो इस शीट को हम यूज़ करते थे, स्टेप को यूज़ करते थे शीट को क्या है बॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या हमें इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको हम मोड़ना है हमारी शीट को, तो क्या करते थे इसके ऊपर को शीट, इसके ऊपर हमने शीट रखी और शीट को यहाँ से प्रेस किया, या इस ऐसे प्रेस किया, तो शीट जो है पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री में मुड़ जाती थी, मतलब पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेती थी। हमें बॉक्स बनाना या पेंसिल बॉक्स बनाना, उस तरह के शीट मेटल को फोल्ड करने के लिए ये वाला स्टेक यूज़ होता था। तो आपको ये पहचानना है कौन सा स्टेक है, ठीक है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है इसका क्रीजिंग आयरन है क्या, या हैचेट स्टेक है, या बेक आयरन स्टेक है, या आपका डी राउंड बॉटम स्टेक है। तो आपको आंसर देखना है इसमें से, आप खुद से पॉज करके वीडियो को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर और फिर उसका देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपका। जो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, बिग आयरन स्टेक, इसको क्या बोलते हैं, बिग आयरन स्टेक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इन दिस स्टेक बोथ एंड आर लॉन्ग, ठीक है, स्टेक के जो बोथ एंड है वो लॉन्ग है, वन एंड इज बेंड इन वन डायरेक्शन एंड एट बोथ द एज स्क्वायर होल्स आर मेड, आइडेंटिफाई द स्टेक। इस स्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना था। देखिए लंबा इसका जो है एंड है, एक एंड जो बैंड है इसका, और दोनों एंडों में जो है क्या है, इसकी एक आर्म बैंड है और दोनों आर्म यहाँ पे देखिए स्क्वायर बने हुए हैं, तो इसको आपको पहचानना है। तो ये क्या है, इसके हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला आपका बिग आयरन स्टेक, क्या ये बिग आयरन स्टेक है, नहीं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ये नहीं है, ये नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा आपका फनल स्टेक, फनल स्टेक भी नहीं है ये। तीसरा ऑप्शन है आपका राउंड बॉटम स्टेक, वो भी नहीं है, राउंड बॉटम स्टेक भी नहीं इसको कहते, इसको कहते हैं हॉर्स, ठीक है, याद रखना है आपको। इस तरह से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, आपके ALP के एग्ज़ाम में, ठीक है, डायग्राम आएगा, फिर उस पर आइडेंटिफाई करना रहेंगे आपको क्या क्या चीज़ है वो, कौन सा टूल है, क्योंकि ये बहुत इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए हमारा 18th क्वेश्चन देखते हैं। इन द शीट मेटल वर्क डैश इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट, शीट मेटल वर्क में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, ठीक है, जब हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड करते हैं, ठीक है। समझ लो हमने एक ये जॉइंट लगाया, इस जॉइंट को हमने सीधा रखा भी, ठीक है भाई, एक ये जॉइंट लगाया हमने, इसको भी सीधा रखा, अगर हम इसको बेंड कर देते हैं तो ये कौन सा जॉइंट कहलाता है। तो ये कैसे होता है मैं पहले सबसे आपको बता दूं भाई, ठीक है। पहले हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेक करते हैं। पहला आपका सिंगल सीम होता है क्या, दूसरा डबल सीम, सी ऑप्शन है लैप सीम, और डी ऑप्शन है ग्रुप सीम। तो इसका आंसर होगा आपका डबल सीम, ठीक है, डबल सीम। डबल सीम ऐसा होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, और इसको हम अपवर्ड की डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं, कुछ नहीं होता, सिंगल सीम जो होता है उसी जॉइंट को हम बेंड कर देते हैं, तो उसको डबल सीम बोलते हैं। वो कैसे करता है ये बताता हूँ मैं आपको भाई, क्या है, आप एक ये इस तरह का शेप बना रहे हैं आप समझ लीजिए, ठीक है, नीचे वाली आपने शीट ऐसे लगा दी इस पर, ठीक है, ऐसी शीट लगा दी, ये आपका जॉइंट इस जगह पे दिख रहा है आपको, ऊपर ये जॉइंट है, आपने यहाँ पे सोल्डिंग वोल्डिंग करके इसको जॉइंट कर दिया। अब इसी जॉइंट को ये आपकी ये वाली शीट, ऊपर वाली शीट हुई, नीचे वाली शीट, इसी जॉइंट को अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में फोल्ड कर देंगे, ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, तो ये शेप कैसा होगा। अब ये सिंगल सीम है, ठीक है, अब जब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ये कुछ इस तरह का जॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट इसमें नहीं बन पा रहा, बट आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं हम डबल सीम जॉइंट। ये मैं वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हम इसकी कर रहे थे वीडियो, ठीक है, तो ये आपका डबल सीम है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो जाता है, तो ये इसमें पूछा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्रॉन्गर जॉइंट, और प्लस आपका क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी एज को बेंड किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से
रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इससे होता क्या है दोस्तों, मेरा जो है कॉन्फिडेंट बढ़ता है दोस्तों, और इस तरह मैं आपके लिए काम करता हूँ। और दोस्तों आप लोग काफ़ी स्लो जो है आपका प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग है ना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रही ये वीडियो। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और साथ में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दें। बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये है कि दोस्तों जैसे ही मैं आपको नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, और आप जैसे ही उसी समय देखेंगे आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, तो देखिए 19 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द मार्किंग टूल दैट इज़ यूज टू ड्रॉ द लाइन ऑन द शीट सरफेस एज शोन इन फिगर। ये फिगर में जो आपको ये टूल दिख रहा है इसके हाथ में, तो ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा टूल है। और वैसे इसमें बोल दिया गया ये टूल जो है आपके मार्किंग के लिए, शीट मेटल में जो है मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब भाई मैंने आपको सबसे पहले जो प्रोसेस बताया उसमें बोला था कि भाई शीट अगर हमें आधी शीट चाहिए बिल्कुल है ना, यहाँ से 5 mm चाहिए, वो 10 cm चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस इधर से इधर तक स्केल से नापेंगे, और फिर अगर हम सीधी इसको काटना है तो यहाँ पे स्केल रख के हम एक एक टूल से इसको लाइन बना देंगे जो कि है ना इसके ऊपर एक लाइन सी हो जाएगी। तो यहाँ में हम पेंसिल वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मिट जाएगी, भाई शीट है उस पर हो भी नहीं पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा। मार्कर हालाँकि उस पर मार्क बना देगा लेकिन मार्कर ज़्यादा काम का नहीं रहेगा, मार्कर भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो ऐसा एक स्टील का जो रहता है, ये कास्ट आयरन स्टील का बहुत मजबूत सा आपका होता है एक टूल, बहुत पतला सा पेंसिल की तरह, ठीक है, लेकिन इससे मार्क किया जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, पहला देखिए ऑप्शन है आपका ट्रेमेल बोलते हैं क्या इसको, बी ऑप्शन है डिवाइडर, सी ऑप्शन है स्क्राइबर, और डी ऑप्शन कंपास। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा स्क्राइबर, इसको स्क्राइबर बोलते हैं, ठीक है, स्क्राइबर बोलते हैं। बहुत ही पतली सी पेंसिल टाइप की होती है और इससे मार्क किया जाता है भैया आपको जितने सेंटीमीटर या जितना आपको शीट को काटना है, ठीक है, स्क्राइबर बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा 20th क्वेश्चन क्या बोलता है। द फॉलोइंग मेक मार्किंग टूल शोन इन द फिगर इज़ यूज टू मार्क इम्प्रेशन अप टू 200 mm रेडियस ऑन द शीट, ठीक है, शीट में लगभग 200 mm के रेडियस में जो है आपकी मार्किंग करता है। कौन किस टाइप की मार्किंग करता है, सर्कुलर, अगर हमें सेमी सर्कल या सर्कल के फॉर्म में हमें शीट काटना है तो उस समय जो है ये मार्किंग में यूज होता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है आपको, तो दोस्तों ऑप्शन में देखिए स्क्रैच एवेल ट्रेमेल मार्किंग पंच या डी आपका डिवाइडर। तो आंसर देखिए आप इसको पॉज करके क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है आपका डी डिवाइडर। ये देखिए बिल्कुल डिवाइडर दिख रहा है आपको, डिवाइडर आप बिल्कुल आसानी से पहचान गए होंगे, तो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं हमारा 21 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ ट्रेमेल इज। तो देखिए वो ट्रेमेल जो है एक डिवाइडर टाइप का ही होता है लेकिन बहुत बड़ा क्या होता है, हम इसको ये कंपास टाइप का होता है, यहाँ पेंसिल वेंसिल लगाई जाती है इस कॉर्नर में, ठीक है, और ये एक साइड इसका स्टील का एंड होता है और इसको हम ये जो इसके बीच में ये है इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किस रेडियस में हमें करना है। यहाँ पे आपका जो है स्क्रू लगा रहता है टाइट वाइट करने के लिए, इससे हिसाब से हम काफ़ी जो लंबा जो है डायमीटर या काफ़ी लंबा रेडियस का हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, ठीक है। तो 21 में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें देखना आपको कितने इंच तक का आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, इसका मैक्सिमम डायमीटर बताना है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने का। तो ए ऑप्शन है आपका 12 इंच, या बी ऑप्शन है आपका 24 इंच, या सी ऑप्शन है 36 इंच, या आपका डी ऑप्शन है 72 इंच। तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर है वो है डी, मतलब 72 इंच या 72 इंच तक आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, डायमीटर का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला है, स्क्रैच एवेल शोन इन द फिगर इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ, ये वाला जो आपको दिख रहा है एवेल, और ये जो है ये किस पर्पस में यूज़ होता है, इसका काम क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन में लिखा है टू ड्रॉ द डीपर लाइन, डीपर लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, या बी ऑप्शन है आपका टू फर्म यूज टू ड्रॉ द लाइन, या सी ऑप्शन है आपका टू मेक द सर्कल और इम्प्रेशन, या फिर आपका डी ऑप्शन है टू ड्रॉ द ऑर्डिनरी लाइन। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो मैं आपको बता दूं, आप पॉज करके एक बार चेक करें,
फिर उसके बाद मैं आपको आंसर ये बता रहा हूँ कि भाई इसका आंसर है जो वो ए है, टू ड्रॉ द डीपर लाइन। ठीक है, बहुत ही गहरी लाइन को आप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका लकड़ी का बना होता है ना, ठीक है, वुड लगा होता है, और नीचे वाला जो है आपका मेटल का है, काफ़ी नुकीला होता है, इसमें आप डीपर लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, उस समय मैंने आपको ये सब बताया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, अ सीजर विच इज़ यूज टू शीट मेटल वर्क इज शोन इन द बिलो फिगर, आइडेंटिफाई द सीजर। आप इस सीजर को आइडेंटिफाई करें, ये कौन सा सीजर है आपका। ये ऑप्शन है आपका प्लायर, इसको बोलेंगे, या बी ऑप्शन कटर बोलेंगे, या सी ऑप्शन स्नाइप स्ट्रेट बोलेंगे, या डी ऑप्शन आपका बेंच शीयर बोलेंगे। तो ये कौन सा आपका सीजर है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए प्लायर तो है नहीं भाई, प्लायर का शेप कैसा होता है आप सभी को पता है, घर में यूज़ करते हैं आप। कटर का शेप कैसा होता है वो भी आपको पता है, और बेंच शीयर अलग होता है। तो इसका आंसर है आपका सी, स्नाइप स्ट्रेट। ठीक है, स्नाइप स्ट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, स्नाइप स्ट्रेट इससे क्या करते हैं, हम जब शीट में देखिए दो तरह के होते हैं, इसमें हमने मैंने आपको जब बताया था, जब हमें सीधी सीधी शीट को काटना होता है तो हमें उसको बोलते हैं स्नाइप स्ट्रेट। ठीक है, तो कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं आप। तो दोस्तों हमें जब सीधी सीधी शीट मेटल को काटना होता है कैंची टाइप कैंची से, स्नाइपर से, तो हम सीधा सीधा काटने के लिए इसको यूज़ करते हैं स्नाइप स्ट्रेट को। जैसे हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट काटना है तो स्नाइपर स्ट्रेट का, अगर हमें इसके बीच में सर्कल काटना है तो उसके लिए दूसरा स्नाइपर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखिए ये डायग्राम में आपको बड़ा अच्छे से लिख दिया हुआ है, इसको हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट को ब्लेड बोलते हैं, इसके जो एंड है जहाँ से पकड़ते हैं उसको हैंडल बोलते हैं, और ये ओवरऑल लेंथ है इसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 23 क्वेश्चन में, जो आपका आंसर है वो है सी, स्नाइप स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको आप पढ़ें बिल्कुल एकदम। देखिए, आइडेंटिफाई द नोच विच इज़ यूज फॉर द शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क में कौन सी ये नोचिंग है। ठीक है, तो इस नोच में क्या किया हुआ है, कॉर्नर कॉर्नर से इसमें काटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये कॉर्नर कॉर्नर से, तो ये कौन सी नोचिंग है। ठीक है, नोच आपको पता था भाई कि हमें शीट मेटल जब हम फोल्ड करते हैं तो उसके कॉर्नर को हम काटते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नोच है आपका, स्लेंट नोच है क्या, बी ऑप्शन है आपका वी नोच, या आपका सी ऑप्शन स्क्वायर नोच, या आपका डी ऑप्शन स्लिट नोच। तो आपको पहचानना है ये कौन सी नोच है। तो देखिए वी नोच तो है नहीं भाई, स्लेंट नोच भी नहीं है, और ये जो है आपका स्लेंट नोच भी नहीं है, ये है आपका स्क्वायर नोच। देखिए देखने से समझ में आ रहा है भाई, स्क्वायर के फॉर्म में इसमें काट लिया गया है बाहर की तरफ। ठीक है, स्क्वायर नोच है आपके, इसमें आपको एक बॉक्स बन जाएगा आपका, स्क्वायर बनेगा आपका। ठीक है, ये लाइन जो होती है इन लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, GI शीट इज़ कोटेड विथ। अब याद कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, A to Z ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सिंपल लग रहा है। ठीक है, और आसान भी दिख रहा है। GI शीट इज़ कोटेड विथ, तो GI शीट क्या होती है आपको मैं लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए A ऑप्शन है आपका कॉपर, B ऑप्शन है आपका जिंक, सी ऑप्शन है आपका टिन, और डी ऑप्शन है आपका लेड। ठीक है, तो GI शीट को किस चीज़ से कोटेड किया जाता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। ठीक है, उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ा सकें, तो ये है आपका ऑप्शन है आपका जिंक, जिंक के जो सॉल्यूशन में है उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, आपकी शीट को, तो इसका आंसर है आपका बी, क्या है 25th का आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26th क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू एग्जामिन, जो ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं उसको किस चीज़ को नापने के लिए या किस चीज़ के एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका सर्कुलर सरफेस के लिए, बी ऑप्शन है आपका स्क्वायर सरफेस के लिए, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका फ्लैट सरफेस के लिए, या डी ऑप्शन है आपका इरेगुलर सरफेस के लिए। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका फ्लैट स्क्वायर। तो जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है वो फ्लैट सरफेस को मेज़र करने के लिए होता है, तो इसका आंसर है आपका सी, फ्लैट सरफेस को जो है एग्जामिन करने के लिए होता है आपका, क्या होता है ट्राई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैमर इज यूज फॉर शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में कौन सा हैमर यूज किया जाता है? तो पहला है ऑप्शन है आपका बॉल पिन हैमर, स्लीज हैमर, सी ऑप्शन है आपका क्रॉस पिन हैमर, या डी ऑप्शन आपका सॉफ्ट हैमर। तो आप वीडियो को पॉज करें, समझेंगे, ठीक है। तो शीट मेटल, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, बहुत पतली सी शीट होती है, उसमें हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करेंगे तो शीट में आपके इस जो है स्क्रैचेस वगैरह आ जाएंगे, या शीट आपकी दब जाएगी, कुछ ना प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे शीट जो है बहुत पतली होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, शीट जो है वो आपकी 5 या 6 mm से ऊपर वाली जो शीट की थिकनेस होती है उसको हम शीट क्या बोलते हैं, उसको प्लेट बोलते हैं। और जो 6 mm से नीचे वाली थिकनेस की होती है, या 0.15 mm से लेकर 6 mm की, उसको हम फॉइल बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कौन सा हैमर यहाँ पे यूज़ किया जाता है भाई? शीट बहुत पतली सी है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट हैमर। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्या है आपका आंसर? डी ऑप्शन, यहाँ पे यूज़ किया जाता है सॉफ्ट हैमर शीट मेटल वर्क में। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चन में आपको बोला स्टील रूल इज़ आ, स्टील रूल क्या है? स्टील रूल क्या है भाई? एक मेजरिंग टूल है क्या? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका मेकिंग टूल, सी ऑप्शन है आपका कटिंग टूल, या डी ऑप्शन आपका स्ट्राइकिंग टूल। तो पहचानना है आपको क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है। रूल जो है स्टील रूल, सिंपल आपकी जो स्टील की स्केल है वो क्या है भाई? मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेजरिंग टूल है ये, ठीक है। ये आपका क्या है 28 क्वेश्चन का आंसर? मेजरिंग टूल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो 29 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, स्टेनलेस स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ। स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो ए ऑप्शन है आपका कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, बी ऑप्शन है निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर है, या सी ऑप्शन जिंक एंड क्रोमियम का मिक्सचर है, या आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको देखना है भाई, साइंस के क्वेश्चन में भी ऐसे साइंस के क्वेश्चन का पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए शीट मेटल में भी शो किया गया है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, और आपसे बनता होगा मुझे पता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, निकल एंड क्रोमियम। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है वो निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। कितने परसेंट निकल मिलाया जाता है और कितने परसेंट क्रोमियम मिलाया जाता है वो आपको खुद से देखना है, और इसमें वीडियो के मैं जो है कमेंट करना है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में कितने परसेंट निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं भाई 50-50% तो दोनों का होगा नहीं भाई, कुछ परसेंट निकल होगा, कुछ परसेंट क्रोमियम होगा। हो सकता है भाई निकल ज़्यादा परसेंट हो या क्रोमियम ज़्यादा परसेंट, तो वो आपको कमेंट में लिखना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा भाई, कमेंट में आप लिख देंगे तो ये जो है आपको याद रहेगा, ठीक है, अगर आप इसको कमेंट में लिख देंगे तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला गया, नॉन मेटेलिक कोटिंग इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। जो नॉन मेटेलिक कोटिंग होती है वो किस तरह की है? तो यहाँ पे देखिए, नॉन मेटेलिक कोटिंग जो होती है आपकी वो प्लैनर कोटिंग होती है क्या? बी ऑप्शन है आपका कंटूर कोटिंग, सी ऑप्शन है वायर एंड केबल कोटिंग, और लास्ट आपका ऑल ऑफ दिस अबव, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो आप में बताना है कि भाई जो आपकी नॉन मेटेलिक कोटिंग होती है वो किस तरह की कोटिंग होती है। तो नॉन मेटेलिक कोटिंग का इसका आंसर है आपका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ऑल ऑफ अबव है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम प्लैनर कोटिंग भी कर सकते हैं, कंटूर कोटिंग भी कर सकते हैं, वायर और केबल में कोटिंग कर सकते हैं। भाई देखा होगा आपने, एक वायर होता है उसके ऊपर जो हम घर में यूज़ करते हैं, वायर केबल वायर वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी वायर, उसके ऊपर क्या होता है कोटिंग की हो जाती है। क्या किया जाती है कोटिंग में, आपने देखा होगा उसकी कोटिंग करते हैं, किसकी? अरे यार, प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, बाहर जो प्लास्टिक लगा रहता है जिससे हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। वायर के ऊपर कोटिंग हम करते हैं, वायर एंड केबल कोटिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो है 13 क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये हमारे जो शीट मेटल के क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पे वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो हमारी वीडियो कंटिन्यू चल रही है शीट मेटल की, वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि सभी की हेल्प हो सके। क्योंकि अभी जो है टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है, मात्र 1 महीने बचा हुआ है। तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करें, ताकि भाई जो अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं दोस्तों, वो सब जुड़ सकें वीडियो के थ्रू। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी PDF नोट चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है स्टडी आइकन नाम से सर्च करें टेलीग्राम में,
आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से ज्वाइन कर सके। अगर आप डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे पर्सनली जो है टेलीग्राम में जो स्टडी आई कैन सर्च करके वहाँ पे आप मैसेज करें तो मैं आपको वहाँ से ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से आपको अभी नोट मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट बाद आपको वहाँ पे इसके आंसर की मिल जाएंगे और सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल आप अपडेट रहें। जय हिंद दोस्तों।